हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और मैं जो अभी मॉडल का रिव्यू कर रहा हूँ, ये TS LT20 A+ मॉडल है। ओके। और इसका हालांकि मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन ये लगभग मान के चलिए 6 महीने पहले मेरे पास ब्राइटनेस थोड़ा और ज़्यादा इसका बढ़कर आया था, लेकिन मैंने रिव्यू इसका नहीं डाला। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, कॉल भी करके मुझे बोल रहे थे सर इसका रिव्यू नहीं किया है, तो मैं इसका एक रिव्यू कर रहा हूँ अभी। ओके। तो जो भी डिटेल्स हैं मैं सब दिखाऊंगा इसका। तो इस तरीके का जो है बॉक्स में पैक आता है ये, ठीक है, इस तरीके की बॉक्स पैकिंग रहती है इसकी। और अंदर भी इसमें एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर प्रोजेक्टर रहता है हमारा। ओके। तो मैं इसको इसमें से निकाल लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं TS LT20 A+ मॉडल है ये, ठीक है, न्यू अपग्रेडेड मॉडल है। अपग्रेडेड ऐसे मतलब है सब चीज़ सेम, बस ब्राइटनेस जो है ना, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है पूरा। TS LT20 A+ मॉडल है ये। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 लुमेनेंस है। 13,000 लुमेनेंस मतलब LED लुमेनेंस है ये। ओके। ANSI लुमेनेंस प्रोजेक्टर का 3500 है, 3500 ANSI लुमेनेंस है, ठीक है। तो बहुत से मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप प्राइस नहीं बताते हो। प्राइस तो देखो दोस्तों, प्राइस मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, मैं अभी प्राइस बता दूंगा। और फिर जब मैं अपलोड कर दूंगा यही वीडियो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी कस्टमर देखता है, फिर प्राइस लेता है, सर कितने का है ये, और मेरा अगर प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, फिर वो बोलता है सर आपने वीडियो में तो उतना प्राइस बताया था, यहाँ इतना बता रहे हो, ठीक है। वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये प्रोजेक्टर आपको जो है 26,000 रुपये में मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। COD ऑल इंडिया में अवेलेबल है। ओके। 26,000 की प्राइस रेंज में ये प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। बाकी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा आपके एरिया के हिसाब से, जो भी कूरियर चार्ज वगैरह जो भी लगता है, जो बेस्ट प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे या डायरेक्ट कॉल करेंगे। ओके। तो ये प्रोजेक्टर का बॉक्स है, डिटेल मैंने आपको दिखाई दिया है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसका एसोसीरीज में क्या क्या आपको मिलता है, जैसे कि मेरे सभी व्यूवर्स और कस्टमर सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वायरलेस माउस ज़रूर देता हूँ मैं इसके साथ, क्योंकि आपको कुछ भी जैसे टाइप करना है, टाइप करने में आसानी रहती है, माउस से थोड़ा ऑपरेट करने में इजीली हो जाता है, ठीक है। और इसका एसोसरीज वाला जो यहाँ पे, अब एक सेकंड देखिए, यहाँ पे इसमें 3D गॉगल भी आपको मिलेगा। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, 4 इसमें 3D गॉगल भी मिलेगा आपको, रेड एंड ब्लू वाला। ओके। इसमें 4 आपको, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, 4 3D गॉगल भी मिलेगा, रेड एंड ब्लू 3D को सपोर्ट करता है ये। ओके, ठीक है। और इसमें एक एसोसरीज बैग भी आता है। ये एसेसरीज बैग में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ निकाल के। ओके। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ। ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं AV केबल है, 32 GB का पेन ड्राइव है, एक मूवीज़ वगैरह चाहिए 1-2 दिन पहले ऑर्डर करके आपको मुझको बताना पड़ेगा, तुरंत मूवीज़ नहीं डाल के दूंगा मैं। ओके। इसमें क्योंकि टाइम नहीं होता उतना। एक रिमोट है और ये पावर केबल है। तो ये एसोसीरीज है प्रोजेक्टर के साथ जो भी आपको मिलेगा, और एक वारंटी कार्ड दूंगा मैं भर के वो, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। प्रोजेक्टर यहाँ आप देख सकते हैं थर्माकोल की पैकिंग के साथ में अच्छी बेहतरीन पैकिंग में यहाँ रखा हुआ है। तो मैं इसे जो है बाहर निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हमारा बाहर आ गया। बॉक्स को हम कर लेते हैं साइड में, इस तरीके की पैकिंग में आता है, तो मैं इसे जो है निकाल लेता हूँ अभी इसमें से। तो दोस्तों ये जो है हमने प्रोजेक्टर अभी जो है बॉक्स में से निकाल लिया है, ये एसोसीरीज है। ओके। एसोसीरीज मैंने आपको दिखा दिया पूरा। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का एक लेंस कैप भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी बढ़िया यहाँ डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा प्रोजेक्टर का। ओके। ये आपको मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ से, यहाँ से जो है प्रोजेक्टर का पूरा हीट आउट होता है, और ये पीछे के साइड का है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ एक क्लिक में आपका जो है फ़िल्टर आउट हो जाएगा। फ़िल्टर आप यहाँ पे कलर वाले ब्रश से बिल्कुल ईजिली क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करके आपको वापस यहाँ पे जैसा निकाला था वैसे ही एक क्लिक कर देना, फंस जाएगा वापस। यहाँ आपका जो है पावर केबल लग जाएगा। ओके। पावर केबल जो इसके साथ में यहाँ दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा आपका ये पावर केबल। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपका इंटरनेट लैन पोर्ट दिया हुआ, आप डायरेक्ट इसमें इंटरनेट लैन पोर्ट भी लगा के चला सकते हैं। यहाँ आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, ठीक है, 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे हेडफोन जैक मिल जाएगा, यहाँ से आप होम थिएटर डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। यहाँ ऑडियो वीडियो पिन मिल जाएगी, जैसे आपके पास यदि HD वाला
सेटअप बॉक्स, डीवीडी प्लेयर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप इसे यहाँ एवी में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लगा देना है। यहाँ से इसमें जो है एक वीडियो का है और दो ऑडियो का लेफ्ट राइट इसमें रहता है, ओके। तो आप इसमें ऑडियो दे भी कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और यहाँ HDMI के दो पोर्ट मिल जाएंगे आपको, यह आप देख सकते हैं। 10 वाट का एक स्पीकर मिल जाएगा जिसकी वॉइस बिल्कुल इनफ है, वो मैं आपको सब सुना दूंगा इसमें। ऊपर यहाँ टच वाला पूरा का पूरा टच के थ्रू यहाँ काम करता है, टच पैनल पूरा मिल जाएगा, बटन से जो दिए हुए टच के थ्रू काम करते हैं। TS कंपनी का है, टेक्नोटस सॉल्यूशन का प्रोजेक्टर है। यहाँ आपको जो है लेंस सेटिंग मिल जाएगा आप इस, ठीक है। फोकस व्हील जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑपरेट। यहाँ पे कीस्टोन दिया हुआ है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल भी है इसमें और अपना डिजिटल 4D कीस्टोन भी है। तो प्रोजेक्टर का जो है मैंने यहाँ पे आपको टोटल चीज़ दिखा दिया है, और अभी मैं आपको जो है इसको इसकी डिटेल भी एक बार बता देता हूँ। प्रोजेक्टर की डिटेल ऐसा है दोस्तों कि आप इसकी यदि रेजोल्यूशन की, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो भी चालू करता हूँ, प्रोजेक्टर चालू कर लेता हूँ, उसी बीच में मैं आपको सब डिटेल भी इसकी बताता जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों प्रोजेक्टर जो आप देख सकते हैं यहाँ 19 फीट की दूरी पे मैंने रखा है, और ये मेरा स्क्रीन है, और आप देख सकते हैं LR स्क्रीन नहीं है दोस्तों, ये वाइट स्क्रीन है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वाइट स्क्रीन है, रेड लाइट ऑन है, तो रेड लाइट को जो है मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, रेड लाइट जो है मैं यहाँ ऑफ कर देता हूँ। और ये जो बल्ब यहाँ चालू है 20 वाट का LED बल्ब यहाँ चालू है, ठीक है, वाइट स्क्रीन है पूरा, और प्रोजेक्टर 19 फीट की दूरी पे, लगभग ये 19 से 20 फीट की दूरी पे मैंने सेट कर दिया, ओके। प्रोजेक्टर मॉडल नंबर जो है TSLT20A+ मॉडल है, और प्रोजेक्टर जो चालू हो रहा है फुल डे लाइट में, ठीक है, 20 वाट का लाइट जो होता है काफ़ी होता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टर जो है नेटिव रेजोल्यूशन इसका फुल HD 1080p है, अप टू 4K 8K HDMI से सपोर्ट करेगा। आप हार्ड डिस्क से भी इसमें 2TB का हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो जाता है, 4K मूवीज़ वगैरह फुल HD डायरेक्ट इसमें प्ले कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्टर का डिस्प्ले है, ठीक है, रिफ्रेश रेट जो है 60 FPS है, 120 FPS तक मैक्स सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर। LED लूमिनेंस प्रोजेक्टर का 13,000 LED लुमिनेंस है, ANSI लुमिनेंस 3500 है प्रोजेक्टर का, ठीक है। और यहाँ 172 इंच के स्क्रीन साइज पे मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ इसका लुमिनेंस, ओके। तो अभी हमारा जो आप देखेंगे तो ये आउट हो रहा है पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है, तो मैं इसको यहाँ से चल के डिजिटल 4D की स्टोन से, ठीक है, इसको सेट भी कर लेता हूँ। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें यदि हम, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है प्रोजेक्टर का 30,000:1 का है, ओके। यहाँ पे हम देखिए डिजिटल की स्टोन पे हम यहाँ पे साइड्स पे था, ठीक है, साइड से हमने यहाँ कॉर्नर्स कर लिया, और यहाँ पे हम डिजिटल की स्टोन के अंदर यहाँ चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है इसको पूरा अपने 172 इंच के स्क्रीन पे हम सेट कर लेंगे, ओके। प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है, फीचर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया दिए हुए हैं, और यहाँ ठीक है। तो ये हमने डिजिटल कीस्टोन की मदद से पूरा का पूरा जो है इसको सेट कर लिया है प्रॉपर। बाकी अभी मैंने सिर्फ प्रोजेक्टर ऑन किया है, एक बार फोकस से भी मिला के देख लेता हूँ, कुछ कमी पेशी लग रही होगी, तो ये अपन ने पूरा इसको मिला लिया है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर पूरा क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पे, और हम अभी यहाँ से जो है बैक चलते हैं पूरा। तो ये होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ आपको AV HDMI 1 HDMI 2 का सोर्स यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। बाकी ब्राउज़र यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपका पेन ड्राइव जो भी अटैच किया हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी डाटा उसके अंदर होगा वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, मैं इसे चालू भी करके दिखाऊँगा अभी, ठीक है। बाकी ये सेटिंग मेरा यूज़ किया हुआ नहीं है, अगर आपने चलाया है तो बढ़िया बात है, आप यूज़ में ले सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ आपको ऐप स्टोर देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, होम स्क्रीन पे लाना है। जैसे यहाँ पे ये मिरर स्क्रीनिंग दिया हुआ है, हमें इसे प्लस करना है तो हम यहाँ ऐसे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो
हम यहाँ से सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे ऐप्स जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ऐप्स हैं आपके सामने ही हैं, ऐप स्टोर वगैरह, प्राइम वीडियो, प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये जो भी है, नेटफ्लिक्स, सब आपके सामने ही है यहाँ। ओके, तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव के अंदर जो भी वीडियोस होंगे वो मैं अभी प्ले करके दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सेटिंग का जानकारी दे दूँ। यहाँ पे नेटवर्क है, आप यहाँ पे वाईफाई जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस पे है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो जो भी नेटवर्क यहाँ अवेलेबल होगा आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका, अभी हमारे यहाँ का वाईफाई तो चालू ही नहीं है दोस्तों, कल पानी वानी गिरा था बहुत, तो इसलिए लाइट चला गया था, तो वो कहीं ऑप्टिकल वाला डला हुआ है वाईफाई, तो वो टूट गया है, तो इसलिए अभी अपन यहाँ पे बाकी वाईफाई तो नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी चालू ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। बाकी प्रोजेक्शन सेटिंग में मैंने आपको दिखाया है, एडवांस की स्टोन यहाँ पे आपको कॉर्नर से करना है तो कॉर्नर से कर लीजिए, साइड से करना है तो साइड से कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी आप सेट कर सकते हैं, वो मैंने और भी पहले के रिव्यू में बताया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं पूरा का पूरा। ओके, स्लिप टाइम यहाँ आप डाल सकते हैं, 240 मिनट तक का आप सेट कर सकते हैं, 120 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, जितने भी, ये प्रोजेक्टर अपने आप ऑफ हो जाएगा यहाँ पे आप सेट कर देंगे। कॉमन सेटिंग में आप देख सकते हैं लैंग्वेज है, और ये जो भी डिफ़ॉल्ट सोर्स वगैरह ये सब जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, आपके सामने ही है। यहाँ पे आपको ये सेट कर देंगे तो जैसे HDMI 1 या HDMI 2 या AV पे सेट करते हैं आप, प्रोजेक्टर चालू होने के बाद, ऑन होने के बाद सीधे उसी सोर्स पे चला जाएगा, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड बाय मोड है, मतलब आपको जब पावर से आप सप्लाई देंगे तो प्रोजेक्टर को रिमोट के इस बटन से जो है चालू करना ही पड़ेगा यहाँ, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो जैसे ही प्रोजेक्टर को करंट मिलेगा वैसे ही प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से आप प्रोजेक्टर को रीसेट कर सकते हैं, बाकी डिवाइस नेम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे ब्लूटूथ दिया हुआ है, ब्लूटूथ में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, अभी मेरे पास पूरा 5.1 होम थिएटर सिस्टम रखा हुआ है यहाँ, इसी को ही कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है आपको, और ऑडियो भी सुनाऊंगा इसका। और बाकी सिस्टम इन्फो है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी आपके सामने है यहाँ। ओके, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा, अभी भी 12 मिनट के समथिंग कुछ हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में ही बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम, मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल को जो है मोबाइल स्टैंड पे सेट कर देता हूँ, और काइंडलिंग हम जो है ओपन कर लेते हैं यहाँ। ओके, काइंडलिंग ओपन करने के बाद मैं आपको जो है यहाँ पे मिरर स्क्रीनिंग भी करके दिखा देता हूँ एक बार इसमें। ओके, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ ये ओपन हो गया है, और यहाँ पे प्रॉपर सेट कर लेता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो है ना स्क्रीन पूरा मैं और डेलाइट में ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, अंधेरा नहीं कर रखा मैंने। आप देख सकते हैं स्क्रीन काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे। ओके, मैं प्रोजेक्टर जब नीचे उतारूंगा तो अभी तो देखिए यहाँ से स्क्रीन जो है इसका बड़ा ही बन रहा था। ओके, स्क्रीन बड़ा ही बना रहा था प्रोजेक्टर पर, मैंने इसको डिजिटल की स्टोन से आपके सामने ही छोटा किया है। ओके, तो मैं इसमें जो है स्क्रीन कास्टिंग भी आपको करके बताता हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये वेटिंग फॉर कनेक्शन लिख के आ रहा है, और यहाँ देखिए मेरा मोबाइल जो है कनेक्ट हो चुका है ये। ओके, अभी डिसकनेक्ट हो गया, कोई नहीं, ये बंद ही हो गया है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। एक बार और चालू कर लेते हैं, ये फ़ोन भी मेरा काफ़ी पुराना है, ठीक है। ओके दोस्तों, इस तरीके से यहाँ कास्टिंग हो जाएगा आपका। तो वाईफाई तो मेरे यहाँ चालू नहीं है, तो मैं आपको अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई वीडियो वगैरह मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी इतना ही।
तो दोस्तों कास्टिंग मैंने यहाँ करके दिखा दी आपको मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। आपका फ़ोन जितना बढ़िया होगा उतनी अच्छी यहाँ पे कास्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, तो यहाँ प्रोजेक्टर की मैंने जो है टोटल जानकारी आपको शॉर्ट्स में दे दी है पूरी की पूरी। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं कुछ वीडियोस आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ फाइल, ये अपन का पेन ड्राइव मैंने जो है यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो मैं कुछ वीडियोस आपको यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो मैंने प्ले किया है 20 वाट के एलईडी बल्ब की लाइट में। ये ऑडियो भी प्रोजेक्टर का ही चल रहा है। ओके, फुल डे लाइट कंडीशन में आप देख सकते हैं 172 इंच का स्क्रीन साइज बना है, फुल डे लाइट कंडीशन में। आप इस प्रोजेक्टर से 600 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं मैक्स, और अच्छे में अच्छा जो है 400 इंच। डे लाइट में ही दिखा रहा हूँ दोस्तों ये मैं पूरा आपको। ओके, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया अभी डे लाइट में ही दिखाया पूरा, अब मैं जो है डार्क रूम करके आपको, ठीक है, सेम वीडियो जो चलाया था सेम वही चलाने की कोशिश करूंगा एक बार। ओके, ये फुल डार्क रूम कर दिया मैंने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फुल डार्क रूम में पिक्चर क्वालिटी 172 इंच के स्क्रीन साइज पे। ये एक 4K वीडियो प्ले किया है, इसमें भी आप क्लियरिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्लियरिटी दिखा दी है 172 इंच के स्क्रीन साइज पे, ठीक है। तो मैं अब जो है इसको एक बार HDMI सोर्स पे मैं अपना MI बॉक्स जो है चालू कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि HDMI मोड पे ये अलग थोड़े से सेटिंग दिखाता है जो यहाँ पे नहीं दिखता, क्योंकि HDMI का सेटिंग जो है अलग रहता है। ओके, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो मैंने अपना डिवाइस यहाँ जो है चालू किया है एंड्रॉयड का MI बॉक्स। ओके, तो HDMI 1 में ही मैंने उसे कनेक्ट किया हुआ है, एक बार देख लेता हूँ HDMI 1 में ही है या 2 में है। तो दोस्तों ये एक्चुअली HDMI 1 पे मैंने इसे सेट कर दिया है, ठीक है, MI एंड्रॉयड बॉक्स को। तो यहाँ पे आप मेनू दबाएंगे तो मेनू में आपको यहाँ पे जो है नीचे पिक्चर सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो पिक्चर सेटिंग में आपको यहाँ पे आप कलर इसमें जैसे स्टैंडर्ड है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ डायनामिक का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉफ्ट का मिल जाएगा, और विविड भी मिल जाएगा, और यूज़र में आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा यहाँ पे कलर वगैरह, कलर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस और एस्पेक्ट रेशियो वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। ओके, इस तरीके से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, Zoom 1, Zoom 2 तक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कलर टेम्परेचर नॉर्मल है, वार्म है, ठीक है, ये जो आप चाहें यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मोर सेटिंग में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ DLC का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप थोड़ा सा कलर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है इसमें, तो आपको जैसा सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। HDMI मोड यहाँ पे जो है वीडियो मोड दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ मैं थोड़ा चेंज करूँगा तो वीडियो मोड दिया हुआ है, और यहाँ एक ग्राफिक्स मोड दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। HDR का ऑप्शन भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, हालांकि मैं ऑन ऑफ तो कर रहा हूँ यहाँ, अब हो सकता है इसका प्रोसेस कुछ अलग हो तो अब वो नहीं हुआ, कि दिया तो हुआ है यहाँ पे HDR का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे भी सेट करके इसे चला सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अभी जो है बैक हो जाते हैं, और मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ यहाँ। यहाँ पे साउंड मोड मिल जाएगा, साउंड मोड में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, म्यूजिक है, मूवी है, न्यूज है, और यूजर है, ठीक है। यूजर में अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ AVC का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा यहाँ, ठीक है, AVC का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा,
यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मोर सेटिंग भी दिया हुआ है यहाँ, PCM रॉ और ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ऑडियो ऑनली का ऑप्शन भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा, हम इससे भी जो है बैक हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सेटिंग जो है हम स्टैंडर्ड पे ही कर देते हैं इसका वापस। कॉमन सेटिंग में जाएंगे तो HDMI सेंस सेटअप का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए HDMI ARC का भी जो है ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो HDMI ARC वगैरह भी आप इसमें चला सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पे आपको HDMI मोड पे देखने के लिए मिल जाता है, और HDMI से जो है पिक्चर क्वालिटी थोड़ा और बेहतर होके मिलता है। और यहाँ से एडवांस सेटिंग है, तो जो मैंने आपको दिखाया था वो वापस इसी जगह पे ले जाएगा आपको। मेन सेटिंग भी आप सेट करना चाह रहे हैं HDMI के अंदर ही, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 172 इंच के स्क्रीन पे तो मैंने आपको दिखा ही दिया है ये कि किस तरीके से ये, मतलब इतने बड़े स्क्रीन पे कैसी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। जो फीचर्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। अब मैं प्रोजेक्टर को जो है नीचे उतार के यहाँ टेबल पे ही सेट करता हूँ, और कितनी दूरी से चला रहा हूँ, कितना बड़ा स्क्रीन साइज बनाता है प्रोजेक्टर कितनी दूरी से, वो भी दिखाऊंगा। और 2 TB का हार्ड डिस्क भी लगा के मैं इसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि कितना क्या, मतलब कैसा चलता है। वैसे तो सपोर्ट करता है इजी, कुछ मूवीज में आपको उससे भी प्ले करके दिखाता हूँ इसमें। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों प्रोजेक्टर को मैं नीचे यहाँ उतार के ले आया हूँ, और उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि मैंने इसके नीचे का आपको कुछ भी दिखाया नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सीलिंग माउंट करने के लिए आपको ये रबर निकालनी होगी। ठीक है, वो अगर आप सीलिंग माउंट करते हैं, मुझसे आपने मॉडल लिया है, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा कैसे क्या टांगना है, वो पूरा मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, और यदि आपको डस्ट क्लीन करनी है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू भी दिया हुआ, आप इसको यहाँ से क्लीन करके निकाल के खोल के, और जैसे कभी ज़्यादा डस्ट आ जाए तो क्लियर कर देंगे। वो मेरे पास सब वीडियो रखे हुए हैं, मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, और डिटेल यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह सब डला हुआ है। TSLT20A+ है, 9.0 मतलब एंड्रॉयड जो है इसमें एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम, 8 GB रोम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है LED+ LCD, LTPS डिस्प्ले 6.2 इंच का इसमें डला हुआ है। और यहाँ पे इनपुट्स और जो है HDMI के 2 पोर्ट, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। 10 वाट का स्पीकर भी, रेजोल्यूशन नेटिव जो है 1920x1080p है, मैक्स रेजोल्यूशन सपोर्ट 4K 8K तक करता है, ब्राइटनेस 13000, LED लुमिनेंस है। ठीक है, 50,000 आवर्स की इसमें आपको LED लाइफ मिलेगी। ओके दोस्तों, तो मैं इसको जो है आपको सीधा करके यहाँ पे रख के, और कितना डिस्टेंस से चला रहा हूँ, कितना बड़ा स्क्रीन बनाता है ये, वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टेप मैंने पूरा स्क्रीन के पास से यहाँ से लगाया है, यहाँ लेके आ गया हूँ। ठीक है, 12 फीट आपका यहाँ हो रहा है, और 13 फीट जो है इस डंडे के पास यहाँ पे हो रहा है 13 फीट। ओके, थोड़ा अंधेरा हो रहा है यहाँ इसलिए, ठीक है, 12 फीट यहाँ है, 13 फीट यहाँ है, ये डंडे के पास हो रहा है। और आप देखेंगे तो लेंस प्रोजेक्टर का यहीं है 13 फीट पे। तो हम जो है प्रोजेक्टर को कर देते हैं ऑन, तो यहाँ देखिए प्रोजेक्टर हो गया है ऑन। ओके, अभी प्रोजेक्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, हम इसका लेंस भी क्लियर कर लेते हैं जब तक। ओके, बाकी एक बार और सेटअप कर लेंगे इसका। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 TB का हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब यहाँ मेरे को लग रहा है क्लियर होगा नहीं है फिर से। 2 TB का हार्ड डिस्क जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 TB का हार्ड डिस्क है ये। ओके, तो इसमें हमने पेन ड्राइव तो निकाल दिया है, अब हार्ड डिस्क को आराम से इसके ऊपर रख लेते हैं यहाँ। और USB से इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर ली, 2 TB का हार्ड डिस्क है, तो रीड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको 13 फिट की दूरी से ये कितना बड़ा स्क्रीन साइज बना रहा है प्रोजेक्टर। टेप रखा हुआ मेरे पास, मैं पूरी नपती करके आपको यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, 13 फिट की दूरी से कितना बड़ा स्क्रीन साइज बना रहा है प्रोजेक्टर, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको याद होगा मैंने इसको अंदर से डिजिटल की स्टोन पे जो है सेट किया था अपना, जब अपन ने इसको 20 फिट पे रखा था, तो हम इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे तो ये अपने के एक्चुअल स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका जो है हाइट, जो हाइट स्क्रू एक इसमें दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है,
सभी प्रोजेक्टर में रहता ही है वो, तो उसकी मदद से हम यहाँ जो है इसको सेट कर लेंगे एक बार अच्छे से, स्क्रीन इसका प्रॉपरली मिला लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन हमने मिला लिया है। अब ये तो मैं एक करके बता रहा हूँ आपको कि भाई इतना बड़ा स्क्रीन साइज ये बनाता है। ओके, तो मैं इसका जो है आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिजिटल 4D कीस्टोन से हट जाता है, हाइट कितना आ रहा है इसका वो बता देता हूँ जल्दी से मैं आपको। हाइट पूरा इसका 5 फीट आ रहा है 13 फीट से। ठीक है, 13 फीट से 5 फीट इसका हाइट आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट कितना आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। नौ फिट में 1 इंच कम आ रहा है ये। ठीक है, मतलब 8 फिट 11 इंच आप मान सकते हैं इसे, मतलब 9 फिट ही मान लो आप। ठीक है, इसको 9x5 का एक स्क्रीन साइज, हाइट तो परफेक्ट बिल्कुल 9 फिट आ रहा है इसका। ओके, और लेफ्ट टू राइट जो आ रहा है 9 फिट में 1 इंच कम आ रहा है, हाइट 5 फिट है और लेफ्ट टू राइट इधर से इधर चौड़ाई इसकी जो है 9 फिट में 1 इंच कम है। ओके, तो ये इसका हो गया अपना लंबाई और चौड़ाई। अब मैं इसको एक बार बैक करके फिर एंटर करता हूँ, क्योंकि ये हट जाता है उसमें से, नहीं तो मैं नत्ती करता रहूँ बीच में हट जाए। क्रॉस में नत्ती करते हैं अब इसका हम स्क्रीन, तो कितना जाता है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं 123 इंच का डिस्प्ले बना हुआ है। ठीक है, 123 इंच का डिस्प्ले बना हुआ है, ये फुल डे लाइट के अंदर 20 वाट का एलईडी बल्ब यहाँ चालू है, और मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, 123 इंच का स्क्रीन साइज 13 फीट से प्रोजेक्टर बना रहा है। ओके, और अभी हम जो है इससे बैक हो जाते हैं। तो अभी जो है मैंने इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट किया हुआ है 2 TB का, आपको मैंने बताया था जो। ठीक है, इसमें कुछ मैंने अच्छी हेवी फाइल निकाली थी 4K मूवीज़। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चला के, जैसे कि प्ले करके मैं इसको आपका इसको साइज़ भी बताता हूँ कितनी साइज़ की है मूवी। ओके, आप इन्फॉर्मेशन में यहाँ देखिए 63 GB का ये मूवी है। ओके, और मैं इसे प्ले करता हूँ, यहाँ आप देखिए 63 GB का 4K मूवी जो है मैंने यहाँ प्ले किया है। ओके, अभी मैंने इसे बैक कर दिया है, क्योंकि अगर वो कुछ टाइमिंग इसका रहता है उससे ज़्यादा हम इस पर चला देते हैं ना, तो वो क्या करता है अपना कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे देता है दोस्तों। तो मेरा ऑलरेडी एक चैनल बंद हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भी बंद हो, मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया वहाँ 63 GB की मूवी जो है मैंने प्ले करके भी दिखाई। अभी थोड़ी देर बाद 2-3 सीन मैं किसी और दूसरी मूवी के दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट भी आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगा एक्वामैन का पार्ट 2 जो है मैंने यहाँ प्ले करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो अभी मैं कोई दूसरी मूवी भी यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं एक मूवी और यहाँ प्ले कर दिया है मैंने। अब मैं डार्क रूम करके भी आपको दिखाता हूँ, ये 4K वीडियो भी मैंने यहाँ एक प्ले करके दिखाया है मैंने। ठीक है, आपको अभी डार्क रूम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये डेलाइट में तो मैंने आपको दिखा दिया, अब डार्क रूम करके भी दिखाता हूँ मैं। फुल डार्क रूम में आप देख लीजिए, अब जो मैं 63 GB का मैंने मूवी इसमें डायरेक्ट प्ले किया था एक्वामैन का पार्ट 2, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, सिक्सटी थ्री जी बी का मूवी ये प्ले किया है मैंने यहाँ। ओके,
तो दोस्तों यहाँ पे जो है 13 फीट की दूरी से मैंने आपको प्रोजेक्टर चला के दिखा दिया, 2 TV का हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करके दिखाया, यहाँ मैंने सभी मूवीज़ जो है लगभग प्ले करके दिखाई है मैंने यहाँ। ओके, फाइल साइज़ जो है अच्छे बड़े बड़े भी आपको यहाँ प्ले करके दिखाया है, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ मैं। तो प्रोजेक्टर एक नंबर है ये, और मैं आपको एक काम करता हूँ, 13 फीट से चलाया, अब 10 फीट से भी मैं आपको इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ प्रोजेक्टर को, ठीक है, कि 10 फीट से कितना बड़ा ये प्रोजेक्टर स्क्रीन बना रहा है। तो दोस्तों ये जो है मैंने अभी 10 फीट पे प्रोजेक्टर रखा है, ठीक है, ये ऑफ हो गया था, मैंने आगे किया इसका तो वायर हिल गया शायद इसका, प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, तब तक मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ टेप पूरा लगा हुआ है, यहाँ कोने से टीके एकदम चिपका लेते हैं यहाँ थोड़ा, ये आप देख सकते हैं 10 फीट आपका यहाँ पे आ रहा है। ओके, एक बार मोबाइल से क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखिए 10 फीट कहाँ है आप देखिए, है ना, और ये लेंस जो है 10 फीट पर ही है, ठीक है। तो 10 फीट से कितनी बड़ी स्क्रीन दे रहा है हमको वो चीज़ भी हम एक बार देख लेते हैं मॉडल। और प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मतलब आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा इसके अंदर। इसका लेंस जो है हम क्लियर कर लेते हैं, एकदम मक्खन जैसी पिक्चर क्वालिटी है इसकी, तो मैं इसका एक बार स्क्रीन साइज डिजिटल 4D की स्टोन के वाइट स्क्रीन पे ही नपती करके आपको दिखाऊंगा यहाँ। ओके, कितना हाइट यहाँ दे रहा है 10 फीट की दूरी से, ये 10 फीट की दूरी है, 10 फीट से आपका 4 फीट में 1 इंच कम है ये, ठीक है, 4 फीट में 1 इंच कम है 10 फीट पे करने पर। यहाँ 7 फीट करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो 7x4 का आप मान सकते हैं स्क्रीन, ये 7x4 का स्क्रीन बना हुआ है, ये हाइट जो है 4 फीट आ रही है, 1 इंच कम है, ठीक है, 4 फीट में 1 इंच कम है यहाँ दिखा रहा है जो, और ऐसे में 7 फीट प्रॉपर है, ये 7x4 का आप पकड़ सकते हैं स्क्रीन के, मतलब इतना है। बाकी क्रॉस में नपती कर देता हूँ एक बार, क्रॉस में आ रहा है 96 इंच का स्क्रीन साइज, ठीक है, 96 इंच का स्क्रीन साइज ये 10 फीट की दूरी से बना रहा है मॉडल। ओके, 96 इंच, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको यहाँ से भी जो है स्क्रीन बना के दिखा दिया है प्रॉपर कि कितना बड़ा स्क्रीन बना रहा है प्रोजेक्टर। ओके, मैं आपको यहाँ पे भी कोई वीडियो, एक आध कोई वीडियो जो है ले करके दिखा देता हूँ, हार्ड डिस्क तो लगा ही हुआ है इतने बड़े से भी, और ये प्रॉपर आप डे लाइट में से यूज में ले सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल डे लाइट में ऐसा लग रहा है LED चल रहा है, बिल्कुल एक नंबर पिक्चर क्वालिटी, बिल्कुल ये भी 4K मूवी प्ले किया है मैंने, ये 63 GB वाली मूवी प्ले किया है एक्वामैन का पार्ट 2, ठीक है, फुल डे लाइट कंडीशन में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क रूम करके भी दिखा रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी और सब डिटेल बता दिया, अब बस ये हो गया कि ब्लूटूथ से मैं इसको आपको एक बार कनेक्ट करके और इसका ऑडियो भी मैं आपको सुना देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है मैं अपना 5.1 होम थिएटर चालू कर लेता हूँ, तो दोस्तों ये जो है अभी मैंने अपना 5.1 होम थिएटर चालू कर लिया है, ठीक है,
तो ब्लूटूथ से जो है कि मैं इसको प्रोजेक्टर को कनेक्ट करता हूँ यहाँ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद हमको ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, यहाँ डिवाइस सर्च कर रहा है अभी। ओके, एमआई बॉक्स चालू है अभी, एमआई बॉक्स का दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 5.1 रिसीवर है उसका यहाँ पे नाम शो कर दिया। अभी हम यहाँ पेयर कर लेंगे इसे, पेयरिंग हो रहा है ये। इसमें नो कॉपीराइट म्यूज़िक जो है मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसने जो है कनेक्ट कर लिया है। तो हम अभी मीडिया पे चलते हैं, ठीक है। मीडिया पे जाने के बाद हमें म्यूज़िक चलाना, तो हम यहाँ से म्यूज़िक सिलेक्ट करेंगे। म्यूज़िक सिलेक्ट करके हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव लगाया मैंने, नो कॉपीराइट म्यूज़िक है, और मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। इधर से कम रहने देते हैं हम आवाज, वैसे चलिए यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, दूसरा प्ले कर देते हैं। एक और प्ले करके दिखा देता हूं। ये वॉइस मैंने पूरी म्यूट कर दी है, ओके, ठीक है। तो अभी हम जो यहाँ से बैक हो जाते हैं, इसमें मैं कुछ मैंने इसमें वीडियोस ऐसे बना के रखे थे जिसमें कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। तो वो प्ले करके दिखाता हूँ, उसमें आप साउंड भी सुन लेना थोड़ा वीडियो पे जाके। हम इसे पैक मारता हूँ, एक जगह मूवीज के भी बनाए थे मैंने। ये मूवीज के कुछ वीडियो की क्लिप है थोड़ी थोड़ी। Those things to take down something with alloy and laser again. मैं कोई वीडियो सॉन्ग भी देखता हूँ, अगर इसमें शायद पड़ा है, मुझे कुछ यहाँ तक ध्यान है, इसमें ही है, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ साउंड, ओके। तो दोस्तों मैंने ब्लूटूथ से देखिए अपना होम थिएटर सिनेमा साउंड जो है, मैं एक सेकंड लाइट चालू कर दूँ। तो ये प्रोजेक्टर के ब्लूटूथ से जो मैंने कनेक्ट करके अपने पूरा 5.1 होम थिएटर को भी चालू करके दिखा दिया है। आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। 10 फिट से 96 इंच का स्क्रीन साइज़ बना रहा है TS LT20A+ मॉडल।
13 फीट से 123 इंच का स्क्रीन साइज, और 19 फीट से तो खैर बहुत ज़्यादा ही बड़ा बनाना था, लेकिन हमने डिजिटल 4D कीस्टोन की मदद से इसको छोटा किया था, ठीक है। तो 172 इंच पे जो है मेरा प्रॉपर वाइट स्क्रीन पे मैंने डेमो दिया था, ओके। तो ये आपको अभी शायद हो सकता है इसमें ग्रे टाइप का लग रहा हो, लेकिन ग्रे स्क्रीन नहीं है, ये वाइट स्क्रीन है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा रिफ्लेक्शन अलग टाइप का हो जाता है ना, तो ये अलग देखने लग जाता है, ठीक है, ये है वाइट ही स्क्रीन, ओके। तो आप मॉडल परचेस करने के लिए, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। COD के लिए आपको कुछ कन्फर्मेशन अमाउंट पहले देना होगा, लगभग 1000 रुपीज़, ओके। बाकी बैलेंस पेमेंट जब आपको प्रोजेक्टर मिलता है तो आप पेमेंट करके पार्सल रिसीव कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है प्रोजेक्टर मुझसे ले सकते हैं, ओके दोस्तों। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।